मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा जेल में कैदियों में हड़कंप क्यों मचा हुआ है? क्यों बांदा जेल के कैदी खाना खाने से डर रहे हैं? क्यों वो रोटी को सिर्फ टमाटर में नमक लगाकर खा रहे हैं? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। आपको बताएं कि कैदी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, ज्यादा हंस नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। यहां तक कि वहां पर जेल की सुरक्षा तो बढ़ा दी गई है, पुलिस सुबह और शाम दोनों समय फ्लैग मार्च कर रही है। मुख्तार अंसारी गैंगस्टर जिसकी मौत होती है और हार्ट अटैक उसको आता है, हृदय गति उसकी रुक जाती है, जिस वजह से उसकी मौत होती है। लेकिन मुख्तार अंसारी के परिवार ने आरोप लगाया कि उसको धीमा जहर दिया गया। मुख्तार को जेल में जहर दिया गया, धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई। ये परिवार वालों ने सवाल खड़े किए और हमने देखा कि जब मुख्तार अंसारी की मौत होती है उसके बाद जेल अधीक्षक को जान से मारने की धमकी मिलती है। 15 सेकंड का वो ऑडियो भी वायरल होता है और शुरुआती जांच में ये बात सामने आती है कि वो कॉल उत्तराखंड से आया था। अब आप ये समझिए कि सुरक्षा तो वहाँ पर पुख्ता है। मुख्तार अंसारी के जो परिवार के लोग हैं वो धीमा जहर दिए जाने की बात तो कर रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा इस बात का खंडन किया गया। जो अस्पताल प्रशासन है, मेडिकल रिपोर्ट भी जारी की गई, क्योंकि आपको बताएं कि मुख्तार अंसारी जो कि गैंगस्टर था, फिर नेता बना और वो 2.5 साल से बांदा जेल में बंद था। इससे पहले वो पंजाब की रोपड़ जेल में था, जहाँ पर फिर भी वो अपनी गतिविधियों को अंजाम देता था। लेकिन जब से वो बांदा शिफ्ट हुआ, योगी सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो गैंगस्टरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, ऐसे में मुख्तार जो कि जिसका काफ़ी रसूख था, रुतबा था, एक बंदूक की एक गोली के दम पर वो जो चाहता था वो हासिल कर लेता था। और दूसरा पहलू भी ये होता है ना गैंगस्टरों का कि जब वो ये सब करते हैं तो फिर अपने इलाके में मसीहा बन जाते हैं, कुछ काम कर देते हैं, गरीबों की मदद कर देते हैं ताकि वो अपने काले कारनामों को छुपा पाए। लेकिन अब आप ये समझिए कि बांदा जेल में जब से आया मुख्तार अंसारी उसकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होती चली गई। इससे पहले भी हमने देखा कि जब उसकी मौत होती है उससे कुछ दिन पहले वो डॉक्टर को दिखाता है, उसकी तबीयत ख़राब होती है और बकायदा जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है कि कितनी बार वो डॉक्टरों के पास गया, 20 से अधिक बार वो डॉक्टरों के पास गया, यानी कि उसको हेल्थ इशूज़ पहले से थे। उसको हेल्थ इशूज़ 2.5 साल पहले भी थे जब वो पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में ही नहीं, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो कैदी बांदा जेल में इस वक्त हैं वो डरे हुए क्यों हैं? वो जेल का खाना खाने से डर क्यों रहे हैं? वो जेल में सब्जी और दाल क्यों नहीं खा रहे हैं? ये इस वक्त बड़ा सवाल है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जेल का खाना कब तक नहीं खाएंगे? उनको ये डर है या इस मुगालते में है कि उनको भी धीमा जहर दिया जा रहा है? हालांकि अस्पताल प्रशासन की तरफ से या फिर हम जेल प्रशासन की बात करें, इस बात का खंडन किया गया है, क्योंकि जब भी ऐसी आवाज़ उठाई जाती है, बकायदा जो सैंपल्स होते हैं वो लिए जाते हैं, नमूनों की जांच होती है और मुख्तार अंसारी जो उसकी बैरक थी वो काफ़ी सुरक्षा, कड़े सुरक्षा घेरे में था। हर वक्त CCTV कैमरे से निगरानी होती थी, उसकी हर गतिविधि पर नज़र रखी जाती थी और उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ हो चुका है। फिर भी उसके परिवार वाले सवाल उठा रहे हैं और इस बात को लेकर के बांदा जेल के कैदी डरे हुए हैं। अब कितने दिनों तक वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, कितने दिन तक वो जेल का खाना नहीं खाते हैं, अब जेल की रोटी तो खानी पड़ेगी जितने दिन रहना है आपको, ये देखना होगा। लेकिन